तो मोर अबाउट डिजाइन में आपका फिर स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि एनएक्स के अंदर बोल्डिंग कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। और एक बात और कहूंगा कि मेरी वीडियो आप देख तो लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज रिक्वेस्ट है यार, इतना सपोर्ट तो करो। इतना तो बनता भी है कि हाँ चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं कुछ वीडियो बनाता हूँ तो उससे आपको सीखने को भी मिलता है, और थोड़ा सा मेरे को सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब करने में आपको कुछ पैसे तो लगते नहीं है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये हमने 3 ब्लॉक ले लिए, और आप चाहते हैं 3 ब्लॉकों में ब्लॉक बोल्टिंग करना, तो मैं चाहते हैं 3 में चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और इस ऐसे 3 प्लेट ले रखी है। अब आप बोल्टिंग करने के लिए काउंटर, 3 होल और थ्रेड होल, ये 3 टाइप से मतलब ये होल करते हैं, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। होल कमांड पर जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। अब ऊपर वाला जो आ रहा है ना यहाँ पे होल सीरीज, इस पर क्लिक करना है आपको, इस पर रखना है, ध्यान से देख रहे ना एक एक पॉइंट, ताकि आपको गलती हो। कमांड तो बहुत बढ़िया, लेकिन मैं आपको जो सबसे ज्यादा यूजली होती है और इजिली होती है और यूज में आती है वही आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर सारी सेटिंग जो मैंने कर रखी है वो कर लो, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा मैं यहाँ से कोई भी मतलब कि जितने की आपको बोल्डिंग करनी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 8 की करता हूँ, और यहाँ पे जो है कस्टम रहने, नॉर्मल रहने दीजिए, या कस्टम करना जो भी करना वो आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये पॉइंट जनरेट हो गया। अब पॉइंट की डायमेंशन, इस पॉइंट की डायमेंशन आपको जो करनी है वो कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है। सेंटर से करनी है, कहाँ से करनी है वो आप खुद से कर सकते हैं, मैं फिलहाल यहाँ से करता हूँ, ठीक है। और देन नी स्केच कर देता हूँ, ठीक है। नी स्केच करने के बाद अब इसको आप देखो, इसमें आप क्या कर रहा है, ये ऊपर वाले को सेलेक्ट कर रहा है, तो हमारे इस वाले जो इसकी विंडो आई है, कमांड की विंडो, इसमें देखो स्टार्ट पे और नीचे सब ट्रैक पे सेलेक्ट हो रखा है, ठीक है। अब इसको अगर आपको हटाना है तो आप इसको शिफ्ट दबा के कीबोर्ड के अंदर उसको हटा सकते हैं, वो आपको पता भी होगा। हैं अब इसमें आता मिडल में, मिड मिड पे सेलेक्ट करते हैं। अब मिड का ये क्या है कि ये मिडल प्लेट को सेलेक्ट कर रखा है ऑटोमेटिक, तो आप इसको भी हटा सकते हैं, आप अगर शिफ्ट दबा के आप इसको भी हटा सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको हटा दिया। अब आता है एंड, अब एंड दिखा रहा सबसे नीचे वाले प्लेट में, आप चाहते हो 2 प्लेट में करना मेरे को, तो इसको भी हटा सकते हैं। आप चाहते हो आप सिर्फ 2 प्लेट में बोल्टिंग करनी है, तो आप एंड वाले मिडल वाले को सेलेक्ट नहीं करेंगे, अब एंड वाले को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मिडल वाले को छोड़ देंगे, अब सब तरह के आ गए, इसे सेलेक्ट करेगा। अब देखो अभी 2 प्लेट में काम करेगा, नीचे आपका एक ऊपर वाले प्लेट में काउंटर और फ्री होल हो जाएगा, और नीचे वाली में आपका थर्ड होल हो जाएगा, जिसमें कि आप थर्ड करना चाहते हैं जो आपने सेलेक्ट कराया, ठीक है। ये हो गया, देन अप्लाई कर दो यहाँ से, जो भी आप सेटिंग करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो आप अपना, तो आपको पता होगा, ठीक है। अभी अप्लाई करेंगे, देखो ये ऊपर काउंटर हो गया और फ्री होल हो गया, अब नीचे वाली में, अब मैं बताता हूँ आपको, ये हो गया थ्रेड होल, ठीक है। बहुत सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ठीक है। इस टाइप से ही हो गया। अब आपको दिखाता हूँ मैं 3 प्लेट में कैसे करते हैं। 3 प्लेट का भी फंडा सिंपल है, दूसरा क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको भी डायमेंशन कर दो जो आप करना चाहते हो, मैं फिलहाल इसकी ये वाली डायमेंशन दे देता हूँ, ठीक है। और इसको भी ऐसे दे देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपको रखना है यहाँ पे भी ये करना है, वो सबके स्केच कर देंगे। अब ऑटोमेटिक 3 प्लेट में आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक आता ही आता है, मतलब जितनी प्लेट में आपको करना है वो यहाँ से हटा के एंड एंड वाली को सेलेक्ट कर देना, वहीं पे एंड हो जाएगा, और बाकी जो बीच की कमान है, बीच की प्लेटें होंगी तो वो अनसेलेक्ट करनी पड़ेंगी आपको, चाहे इसमें 10 प्लेट हो या 12 प्लेट हो, कितनी भी प्लेट हो, तो वो मिडल में कंसीडर करी जाएंगी, और जो एंड होगा वो एंड की प्लेट में हो जाएगा, बाकी आप जो सेलेक्ट करोगे उसके भी आप पे आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो समझ में आई होगी आपके, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करो, आप देख के चले जाते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज इतना तो मेरा थोड़ा सपोर्ट कर दो कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखो मैं आपको साइज चेक करके दिखा देता हूँ, देखो शायद 6 की में 5 की हो, 6 की टाइपिंग में 5 का ही होता है हॉल होता है टाइपिंग के लिए, और 6.8 का 8 के लिए होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जो
दिक्कत हो तो आपका धन्यवाद सुनते हैं।